हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे क्रूड ऑयल का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो यहाँ क्रूड ऑयल लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बंद हुआ है 9399 पे, लगभग 74 रुपीज लॉस के साथ। तो शुरू करते हैं एनालिसिस विद द मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट पे अगर आप देखते हो तो क्रूड ऑयल दिखा रहा है लगभग 4.13% के गेन, और ये लगभग अगर पॉजिटिव में बंद होता है तो ये सातवां महीना रहेगा क्रूड के लिए जो पॉजिटिव क्लोजिंग देगा। लास्ट मंथ हमने क्रूड में जो है तो लगभग 11% प्लस की रैली देखी थी। इसी महीने भी ऑलरेडी हम जो है तो पिछला 10,000 का जो हाई है उसके तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ क्लियर कट मोमेंटम लॉन्ग साइड पे है, और मुझे लगता है कि हम आने वाले दिनों में 10,000 प्लस के लेवल क्रूड ऑयल में देख सकते हैं। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देखोगे तो लास्ट वीक जो है तो क्रूड लगभग 1.78% ऊपर बंद हुआ है 165 रुपीस गेन के साथ, और ये जो है तो क्रूड के लिए लगभग सातवां हफ्ता है जिसमें हम पॉजिटिव गेन के साथ बंद होंगे। लास्ट वीक जो है तो क्रूड लगभग 3.8% ऊपर बंद हुआ था 340 रुपए गेन के साथ, और यहाँ हम सभी एवरेजेस के ऊपर और सभी पिवट पॉइंट के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो हम यहाँ सुपर बुलिश ट्रेंड में मोमेंटम स्ट्रांग रहेगा, और यहाँ जो टारगेट बनते हैं वो 10,000 और 10,500 के आपको देखने को मिल सकते हैं इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म। और डाउन साइड जो सपोर्ट है वो मेजर सपोर्ट है लगभग 8,200 के अराउंड या फिर 8,100 के अराउंड पकड़ के चलिए। अगर उसके नीचे जाता है तो आपको एक डीपर करेक्शन दिखेगा। जब तक क्रूड ऑयल 8,100 के ऊपर है आपको लॉन्ग ही रहना है या फिर बाय ऑन डिप्स ही रहना है विद अ फिक्स्ड स्टॉप लॉस। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देखोगे जैसे मैंने कहा था कि यहाँ जो है तो नीचे आने पर आपको बाय करना है। तो यहाँ क्रूड ने लगभग 8600 के अराउंड सपोर्ट लेने के बाद हमने 9500 का हाई भी देखा था। यस, 9550 का हाई देखा था। तो हमारा पहला टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है, नेक्स्ट टारगेट 9600 का है, और उसके बाद में 10,300 का टारगेट क्रूड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगले वीक के लिए जो है। तो जब तक क्रूड जो है तो 9200 के ऊपर है आपको लॉन्ग व्यू रखना है। टारगेट पहला टारगेट रहेगा 9600, उसके बाद में 10,300 का टारगेट आपको क्रूड में आता हुआ दिखेगा। यहाँ मोमेंटम शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है, थोड़ा सा वोलेटाइल भी रह सकता है, मगर जब भी वो 9200 के ऊपर आएगा आपको लॉन्ग क्रिएशन करना है विद अ फिक्स्ड स्टॉप लॉस। पहला टारगेट 9600, उसके बाद में 10,300 का नेक्स्ट टारगेट रहेगा या फाइनल टारगेट रहेगा। मुझे लगता है कि शायद 10,500 या फिर 11,000 के अराउंड जो है तो थोड़ा सा शॉर्ट टू मीडियम टर्म टॉप आउट हो जाएगा। अगर क्रूड उसके ऊपर निकलता है तो बहुत ही दिक्कत होने वाली है, क्योंकि वहाँ उसके बाद जो टारगेट ओपन होंगे वो 14,000 से 15,000 के टारगेट क्रूड के लिए ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ आपको देखना है 10,500 से लेकर 11,000 का जो लेवल है वो वॉच करना है। उसके ऊपर अगर क्रूड जाता है तो आपको वन वे रैली देखने को मिलेगी जो क्रूड को लेकर जा सकती है 14,000 से 15,000 के लेवल की तरफ। नीचे हमने देखा जो हिस्टोरिकल सपोर्ट है अभी वो है 9800 के अराउंड या फिर 8100 के अराउंड ऑन वीकली बेसिस। उसके नीचे जाता है तो आपको डीपर करेक्शन देखने को मिलेगा क्रूड में। तब तक जो है तो मुझे लगता है कि लॉन्ग साइड के ही ट्रेड बनेंगे, और आपको अपॉर्चुनिटी लॉन्ग साइड पे मिलेगी। तो आपको लॉन्ग साइड के ही ट्रेड खोजने सपोर्ट पे आने पर या डिप्स मिलने पर आपको जो है तो क्रूड में लॉन्ग पोजिशन बनानी है विद फिक्स्ड स्टॉप लॉस। टारगेट जैसे मैंने कहा हमारा जो पहला टारगेट था वो अचीव हो चुका है 9200 का। अभी उसके ऊपर जब तक सस्टेन करेगा 9600 और उसके बाद में 10,300 के टारगेट इस महीने के लिए वैलिड रहेंगे। सो आई होप सो कि ये जो एनालिसिस है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना है तो लाइव मार्केट सपोर्ट एंड फॉलो, तो मेरी प्रीमियम सर्विस ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon. Never miss an update.